अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नायला। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर इंडिया का। एक न्यू डिश बनाने का सोचा है आप लोगों के लिए, जो बहुत पॉपुलर है, लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके प्रिपरेशन में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, खर्च करना पड़ता है। तो हम लोग जा रहे हैं मिट्टी का पॉट लेने के लिए, और जाहिर सी बात है उसमें जो डिश बनेगी वो आपको बता ही देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, अपने समाज के हर कम्युनिटी के बारे में हमें सोचना चाहिए और उनके डेवलपमेंट की सोचना चाहिए, उनकी हेल्प की सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस डिश को बनाने में जिस पॉट की ज़रूरत होती है, तो वो कुम्हार जो है वो बिलोंग करती है वो कम्युनिटी, और अगर हम लेने जाते हैं तो एक तरह की उनकी हेल्प भी है। तो मुझे लगता है कि आप सबों को भी ज़रूर लेने के लिए जाना चाहिए, और मिट्टी के पॉट में आप खाना बना करके देखें, चाय बना के देखें, खीर दूध उबाल करके देखें, बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही हाइजेनिक होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी। पहले ज़माने में हमारी नानी दादी तो अक्सर वो बेशतर बनाया करती थी, लेकिन अब इतने ही सारे बर्तन आ गए हैं, और ख़ास करके आप देखेंगे कि जो कोटेड बर्तन हैं या पॉट हैं, उनके बहुत लोग उसमें खाना बनाना या पकाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से वो खाना जब हम बनाते हैं तो उन खानों के साथ उनकी जो कोटिंग है वो हमारे पेट में जाती है और हमें, हम सबों को हार्म पहुंचाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है अगर हम कभी कभी मिट्टी के पॉट में बना लिया करें। मैंने ऐसे बनाया है कई बार, शौक है, चाय वगैरह बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार। मौका मिला तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बना के दिखाऊंगी। एरिया भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाती चलूं। ये हम लोग जुबली पार्क, जमशेदपुर के जुबली पार्क के बैक से क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ की सड़कें, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें आना चाहिए कभी आपको फैमिली के साथ वक्त निकाल करके, तो आप बहुत ही कूल फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। साक्ची मार्केट की अपनी अलग ही खूबसूरती है, एक अलग ही भीड़ भाड़। अगर आप भीड़ भाड़ पसंद नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये देखिए मेन साक्ची मार्केट से हम लोग गुजर रहे हैं। एक साइड आपको अमर मार्केट नज़र आएगा, इसकी वॉल पे बड़ी अच्छी पेंटिंग की हुई है। दोनों साइड पे ही आर्ट और ड्राइंग का काम हुआ है, जिसकी वजह से एक ज़माना था जब हम लोग इस सड़क पे रोज़ाना आया जाया करते थे। हमारा बचपन, हम छोटे थे तो एग्रीको जमशेदपुर का एक एरिया है जहाँ हमारा बचपन गुजरा है। ये फूल की दुकान है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है फूल। तो हमारा जो बचपन है वो एग्रीको में गुजरा है, और हमारी स्कूलिंग हुई थी साक्ची गर्ल्स हाई स्कूल में, तो उस वक्त हम लोग बस से आया जाया करते थे, स्कूल बहुत छोटे थे, क्लास सिक्स तक तो हमारी पढ़ाई वहाँ के करीब के स्कूल से हुई, लेकिन बाद में हम लोग यहाँ साक्ची आने लगे। फ्रूट्स मार्केट, अब हम लोग बारादवारी से गुजरने वाले हैं। ये एरिया एक वक्त था, शादी से पहले हमारा रहना सहना, हमारे फादर बारादवारी में ही रहा करते थे क्वार्टर में, और तो मैं वो बताना चाह रही थी कि जब हम लोग स्कूल आया जाया करते थे तो एक रुपया मिलता था पर हेड, और 40 पैसे में हम लोग स्कूल आ जाया करते थे, 40 पैसे में वापस घर, और 20 पैसे जो हमारे बचते थे वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। उससे हम लोग अपने पसंद की उल जलूल चीज़ें खरीद के खाया करते थे, और ख़ास के एक तो बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ थी मूढ़ी और गुड़ के जो लड्डू होते हैं, वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था 10 पैसे में एक
वो हमें मुढ़ी लड्डू मिल जाया करते थे, तो हम लोग सोचते थे कि अरे वाह टिफिन टाइम है तो हम दो मुढ़ी लड्डू ले सकते हैं। तो 20 पैसे की वो हकीकत, वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू था अभी आज याद करने से, उस दौर में जाने से सब कुछ फैंटेसी सा लगता है। हमारे बच्चों को तो यकीन ही नहीं आएगा कि ऐसा भी दिन था जब 1 रुपए में हम लोग स्कूल चले जाया करते थे और आ भी जाया करते थे। अब देखिए ये जो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अपने मकाम पे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ये इस साइज का है, इसका 40 रुपीज यहाँ पे बता रहे हैं। इस शॉप पे हम लोग देख रहे थे कि कुछ नई चीजें, गमले वगैरह बहुत नए, बहुत खूबसूरत, बहुत आर्टिस्टिक वे में बनाए गए हैं। इसके कलर वगैरह सब कुछ हमको बहुत अच्छा लगा। ये फ्लावर पॉट है और 120 का, बहुत आना भैया। और ये जो कारीगरी है सब आसाम से आई है, ये 140 का है, ये 165 का। और ये भैया ये 1200 का, शो पीस के तौर पे आप लोग ले सकते हैं। और ये जो मटन वाला है ये कितना बता रहा है? ये आपको पड़ेगा 70 रुपये। ये 70 रुपये ढक्कन के साथ है ना? अच्छा ये तो एक ही बार यूज होता है ना भैया? ये वाला जिसका वो नहीं टूटता है बनाते रहिए। अच्छा नहीं टूटेगा तो हम लोग बना सकते। और सुनिए बनाने के बाद सफाई फाई करने के बाद में ऐसे रखिएगा, ऐसे नहीं रखिएगा, ऐसे रखिएगा तो क्या होगा, जितना पानी इसमें है ना तो सब एक कंखा में आ जाएगा और कंखा आने से हवा चलेगा तो पानी उड़ जाएगा। साबुन लगाएंगे चीज़। अच्छा हाँ, मतलब मिट्टी के बर्तन को साबुन से नहीं धोना है तो मतलब गर्म पानी रख के खौला देना है। गर्म पानी में कपड़ा दे करके उस चीज़ को बना। अच्छा थोड़ा जितना चर्बी फुर्बी रहेगा ना वो तो सब निकल जाएगा। अच्छा जो तो बनाते हैं ना वो नहीं, स्वाद ज्यादा होगा इसका। हाँ स्वाद ज्यादा होगा, इसीलिए तो हम लोग लेने आए हैं। चाय के लिए ये ठीक रहेगा? चाय के लिए तो आजकल यही ले रहा होटल वाला, होटल जितना है ना यही लेता है, यही लेता है। ये कितना का? 35 रुपये। ये कितना? 35। 35 वो 150 बताए, वो कलकत्ता का है ये। कलकत्ता का माल जल्दी टूटेगा नहीं, साल दो साल चलेगा आपका। अच्छा आपको आपको हाँ ये वाला है, पैसा फुल कर जाएगा घर पर, तो आपको हाथ में खाने से अनुभव हो जाएगा। ठीक है ये देखिए, ये मैंने एक दिया लिया है, स्कूल में होमवर्क के काम आ जाएगा बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट में। ये चाय बनाने के लिए लिया मैंने 35 रुपये का। ये जग लिया मैंने, पानी इसमें बड़ा ठंडा और बहुत कूल फील देगा। ये 150 का। ये फिरनी के लिए प्याली ली मैंने, ये मेरे पास नहीं थी तो मैंने फिरनी के लिए प्याली ली। ये 5-5 रुपये की है फिरनी की प्याली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है तो मैंने 4 ले ली है ताकि कोई भी स्वीट डिश इसमें सर्व कर सकते हैं। और ये लिया है मुझे गिफ्ट करना है अपनी बेटी को, तो ये पानी पीने के लिए उसने फर्मेंट करके रखना है, गाजर खीरा वगैरह तो वो पीएंगे। ये बहुत अच्छा कलकत्ता का है, बोल रहे हैं ये 2 साल तक अच्छा रहेगा। ये 150 का और 10-15 रुपये की ढक्कन। और मटन के लिए ये है 1 kg मटन, इसमें बता रहे हैं अंकल कि ये हो जाएगा 1 किलो और सिर्फ 70 रुपीज़ में ढक्कन के साथ। यहाँ अंकल से लिया मैंने, थैंक यू अंकल, अच्छा लगा आप बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाए हैं। हाँ 280। हाँ 280 मैंने दिए। बोल दीजिए आपकी दुकान का नंबर उम्बर है? देखिए उनको बुला रहे हैं, फिर जब दरकार होगा मट्टी के बर्तन आइएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी दिवाली दुर्गा पूजा मत आइए, बहुत भीड़ रहेगा, छठ के बाद आइएगा तो भीड़ नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू अंकल, थैंक यू।
ख़रीद के तो हम लोग ले आए, लेकिन मिट्टी के बर्तन यूज़ करने का एक बहुत ही ज़रूरी मेथड है जो आपको वो फॉलो करना ज़रूरी है। जिनको मालूम है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब आप लाते हैं तो उस पर बहुत धूल धक्कड़ होती है, तो उसे अच्छी तरह से आप वॉश कर दें साफ़ कपड़े से रगड़ के, या प्लेन पानी से ही आपको वॉश करना है। किसी तरह का केमिकल, विम बार या सर्फ या कोई लिक्विड बिल्कुल भी मिट्टी के बर्तनों को साफ़ करने के लिए यूज़ ना करें। और यूज़ करने से पहले आपको 24 आवर्स, या तो आपके पास बड़ा सा टब या गमला हो तो उसमें पानी भर दें और सारे बर्तन को उसमें डाल दें, 24 घंटा उसे वाटर सोक करने दें, वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद। और नहीं, जैसे मेरे पास नहीं था तो मैंने क्या किया, देखिए सारी चीज़ों में मैंने पानी भर के रखा है, और सारे प्याले जो इसमें डूब सकते थे ये देखिए, सबको मैंने पहले क्लीन कर दिया, वॉश किया, और इस तरह से ये जो मग मैंने लिया बड़ा प्यारा सा है तो इसको पानी से भर दिया। इसमें ये है कि पहला पानी आप फेंक दें, यूज़ ना करें, फिर उसके बाद से आप पीने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ठंडा और रिलैक्स, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा इस पानी को पीने से। देखिए बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत भी लगा मुझे। ये भी हंडी मैंने पानी के लिए ही ली है, देख लीजिए मैंने इसके ढक्कन पे भी पानी डाला है, और ये हंडी पूरी पानी से भरी हुई है, बहुत प्यारी है ये हंडी भी। ये पानी पीने के लिए, पानी रखने के लिए लिया है मैंने। इसमें आप पका भी सकते हैं, और उन्होंने बताया कि काफ़ी ये जो मिट्टी का अभी नया रिवोल्यूशन आया है, समझिए बहुत अच्छी चीज़ें बनने लगी हैं। तो ये बोले कि अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो 1-1.5 साल आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कुकिंग के लिए लिया, और देखिए आप सारी चीज़ों में मैंने पानी भर के रखा है, तो आपको भी इसी तरह से रखना है। और 24 घंटे के बाद इस पानी को सबको आप फेंक दें, बर्तन को पलट के ड्राई कर लें, फिर आपको जो बनाना है वो बनाएं, या तो आप दही जमाएं, इसमें आप दही जमा सकते हैं, चाय बना सकते हैं, चाय बनाएं, गोश्त बनाएं, लस्सी बनाएं, जो भी करना चाहते हैं आप कुकिंग का प्रोसेस, या दूध रखना चाहते हैं, दूध बॉयल इसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो इन चीज़ों में आप दूध भी बॉयल कर सकते हैं। तो वो सब आप पानी फेंक के 24 घंटा पानी रहने दें, फिर पानी फेंक के फिर आप कर सकते हैं आराम से। तो ये इसके यूज़ करने का बहुत ही अच्छा मेथड है जो मैंने बताना ज़रूरी समझा। दूसरी बात कि अगर आप गोश्त वगैरह बनाते हैं या दूध बनाते हैं, उसके बाद आपको आएगी कि फिर उसकी क्लीनिंग का जो सिस्टम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी आपको कोई सर्फ साबुन यूज़ नहीं करना है, गर्म पानी से आप कपड़े से, साफ़ कपड़े से रगड़ के उसे धो दें, और हमेशा उल्टा पलट करके ताकि अच्छे से पानी सारा उसका निकल जाए, ड्राई कर लें, फिर आप नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं आराम से। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।